अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन 22 से 26 दिसंबर तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ की ओर से होने वाला यह मेला राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल से इसे आयोजित नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि मेले में कई तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। मेले में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां और रेयर औषधियां और कई तरह के देसी मसालों के स्टॉल लगाए जाएंगे। ये वन मेले के माध्यम से उद्देश्य केवल एक ही है, ये मेला कोई सरकार को कमाई का माध्यम नहीं, ये मेला गरीब व्यक्ति जो वनोपज पैदा करता है, जो औषधि पौधों के माध्यम से वनोपज होती है, उनका बिक्रय वो गांव का व्यक्ति, वो वन समिति का व्यक्ति, बड़े बड़े लोग बैद्यनाथ, गीतांजलि व पतंजलि और आपका जो है डाबर, बैद्यनाथ, ऐसे इनके जैसे बड़े कस्टमर, बड़े व्यक्ति आए और डायरेक्ट बात करें, मीडिएटर खत्म हो जाए, उसकी वन औषधि का, वन उपज का अच्छा लाभ मिले, इसकी दृष्टि से हम उनका क्रेता विक्रेता सम्मेलन करा रहे हैं, एक दूसरे से परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, और परिचय सम्मेलन के साथ साथ जो आयुर्वेदिक औषधियाँ अपनाते हैं, जो आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं, वो नाड़ी वेद भी आएंगे। और अगर हिंदुस्तान के 5-7 देशों ने हमें ऑनलाइन परमिशन दी है, अगर आप अपना इलाज ऑनलाइन हिंदुस्तान के बाहर वेदों से कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमने बात कर ली है और ऑनलाइन की पूरी सुविधा वहाँ उपलब्ध है। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस मेले का शुभारंभ करेंगे और 26 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से इसका समापन होगा। कुछ बीच में हमने गेस्ट बुलाए हैं, अनुराधा पौड़वाल जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, प्रेस के भी हमारे शांति मित्र प्रबल प्रताप जी है, या दूसरे लोगों को भी हमने गेस्ट के रूप में बुलाया है। और उस बीच 26 तारीख को समापन के पहले फिर हम आपको क्या हुआ नहीं हुआ उस बात से अवगत कराएंगे। आज केवल हमने वन विभाग को छोड़ करके वन विभाग के बारे में अलग से अपन अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। वन मेले को लेकर ही आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये लोगों तक जाए और जो छोटे छोटे वन उपज के व्यापारी हैं उनको अपने प्रोडक्ट बेचने में सुविधा और सहूलियत हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।